अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 जनवरी 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोबाइल में सीटेट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और देखिए, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक भी दे दिया, जहां से आप लोग अपना सीटेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज की कुछ बड़ी अपडेट जो कि आपके लिए जरूरी है, उसको जरा ध्यान से देखिए। TGT PGT मांगों को लेकर चयन बोर्ड पर किया गया प्रदर्शन, शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आज है। बेसिक शिक्षा परिषद को भी शिफ्ट करने की हुई थी कोशिश, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे, जो कि आपके लिए जरूरी अपडेट हो सकती है। शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने शुरू किया है विरोध, इस साल 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं करेगा लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों देखिए, हर एक दिन की तमाम बड़ी अपडेट जो कि शिक्षा से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, अगर कोई बड़ी वैकेंसी अगर आने वाली है तो उसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है, ठीक है। कम से कम एक साल पहले अगर आपको किसी भी वैकेंसी की अपडेट मिल जाती है तब आप बहुत लकी है, और तभी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए आज के दिन होता क्या ना, सुपर टेट का पेपर 150 नंबर का होता है, अगर 150 में से 130 से कम ला रहे हैं तो फिर देखिए नौकरी की राह बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उसका रीजन बता दें, देखिए कोई भी बात हवेबाजी में नहीं होती। अब जनरल कैटेगरी में जो सुपर टेट में पासिंग मार्क रखी गई यूपी में, वो 97 नंबर है। अब सोचिए 150 में से अगर 97 नंबर पासिंग मार्क है खाली, तो क्या 97 से मतलब 110 में क्या नौकरी पा जाएंगे? 10-15 नंबर ज्यादा पाके नहीं पा सकते ना। तो कम से कम 120 से 130 तो लाना ही पड़ेगा। तो 130 नंबर लाना हलवा नहीं है सुपर टेट में, तो उसकी तैयारी पहले से होती है, ठीक है। तो इस अपडेट को जरा देखिए, जो बच्चे बीएड के हैं, देखिए सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो बच्चे डीएलएड के उनके लिए भी रहती है अपडेट, और जो बच्चे बीएड के हैं उनके लिए भी रहती है, ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं होता सिर्फ डीएलएड की अपडेट है या बीएड की अपडेट है। जरा देखिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने चेयरमैन पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। छात्रों का कहना है कि बीते 8 दिसंबर को आश्वासन दिया गया था कि टीजीटी व पीजीटी 2022 में 10 दिनों के अंदर सीट वृद्धि के पोर्टल खोलने तथा परीक्षा तिथि को लेकर निर्णय से अवगत कराया जाएगा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि 4 जनवरी को 11 बजे से क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। ये अपडेट थी। अब जरा इस अपडेट को देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद को भी शिफ्ट करने की हुई थी कोशिश। प्रयागराज से अपडेट है कि पिछले साल बेसिक शिक्षा परिषद को भी लखनऊ शिफ्ट किए जाने का प्रयास हुआ था, लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। शिक्षा निदेशालय मिनिस्ट्रियल कार्डिक संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि प्रयागराज जिन कार्यालयों की वजह से जाना चाहता था उसमें उच्च शिक्षा निदेशालय भी शामिल है। अगर उच्च शिक्षा निदेशालय यहां से गया तो बेसिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भी लखनऊ शिफ्ट करने में देर नहीं लगेगी। इसका विरोध होगा, मंगलवार को निदेशालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। अगली अपडेट देखिए, शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने शुरू किया विरोध। प्रयागराज से अपडेट है, शिक्षकों और प्रतियोगी छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ प्रतिस्थापित करने का विरोध शुरू कर दिया है। इससे पूर्व वर्ष 2009 में भी उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन व्यापक स्तर पर विरोध होने के कारण निदेशालय को शिफ्ट नहीं किया जा सका था, ठीक है। ये अपडेट थी। इस साल 8 बड़ी भर्ती परीक्षाएं। देखिए हर एक बड़ी अपडेट आपको यूपी में प्रयागराज से ही मिलती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, UPSC इस साल 6 भर्तियों के लिए 8 परीक्षाएं आयोजित करेगा। आयोग ने सोमवार को 2023 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। सम्मिलित राज्य या प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS एवं सहायक वन संरक्षक, ठीक है, ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी, RFO प्रारंभिक, ये सब दोस्तों, ठीक है। परीक्षा 2023 इस वर्ष 14 मई को आयोजित की जाएगी। तो हर एक अपडेट आप तक होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए वीडियो के अंत में कि क्या क्या करना है आपको। देखिए जिन बच्चों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, डेट तो देखिए सभी बच्चों की जारी कर दी गई, सभी बच्चों की डेट आ गई है। और आपको बता दें, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा ना, वो पेपर के 2 दिन पहले होता है, ठीक है, 2 दिन पहले ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड करते रहेंगे। तो एक बात अब जरा यहाँ पर समझ लेना कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए अगर आप सीटेट में आप सोच रहे हैं कि यार हमारा जनरल कैटेगरी है और हमारा 90 नंबर आ जाए, बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात है, या OBC कैटेगरी के छात्र सोच रहे होंगे कि OBC SC ST में कि हमारा 82 नंबर आ जाए, मान लिए बहुत बड़ी बात है,
तो ये गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि सीटेट में तो पासिंग मार्क बहुत कम, हम कहेंगे 90 नंबर है, क्योंकि सुपर टेट में भी आपको कितने पासिंग मार्क लाना है, 97 नंबर। ठीक है, ओबीसी में आप भले 82 नंबर हो सीटेट में, लेकिन जब सुपर टेट की बारी आएगी तो पासिंग मार्क हो जाएगी 90 नंबर। ठीक है, एसटेट में तो आप समझ सकते हैं कि आगे का जो पेपर है जिसका सिलेबस इससे काफ़ी बड़ा है। देखिए बड़ी बात वहाँ पर क्या हो जाती है, सिलेबस इससे बड़ा होता है। ठीक है, जो हमारा टेट का सिलेबस है वो सुपर टेट से बहुत ही कम है, और सुपर टेट का सिलेबस भी बड़ा है, पासिंग मार्क भी वहाँ पर बढ़ा दी जाती है। तो मतलब साफ है कि सुपर टेट की जो पेपर है उसको क्लियर करना आसान नहीं होता है छात्रों के लिए। तो गाइस तैयारी उस स्तर पर आपकी होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एक छोटी सी लापरवाही और करियर आपका खराब हो सकता है। देखिए होता क्या ना, जो हमारी 69,000 या बड़ी शिक्षक भर्ती हम कहेंगे 69,000 थी, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वर्ष 2018 में। ठीक है, फिर सोचिए आप लोग, 2019 का साल निकल गया, वैकेंसी नहीं मिली आपको, 2020 का साल निकल गया नहीं मिली, 2021 का साल निकल गया नहीं मिली, 2022 का साल निकल गया नहीं मिली, अब हमारा 2023 प्रॉपर चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वैकेंसी आएगी तो कितने साल के बाद आने वाली है, और जो बच्चे उस समय छूट गए थे, देखिए कुछ ऐसे बच्चे होते जिनका टेट क्लियर नहीं था उस समय, 1-2 नंबर से टेट रह गया था, वो बच्चे सोचिए कितना स्ट्रगल किए, मतलब समझ लीजिए कि वो क्या सोचते होंगे यार कि 1-2 नंबर उनके लाइफ में कितने साल बर्बाद कर गया। ठीक है, तो बस आपसे यही कहेंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा कि 1 या 2 नंबर से आप भी रह जाएं। ठीक है, अक्सर ये देखने को मिलता है कि मान के चलिएगा 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक लाइन लग जाती है दोस्तों, 1-2 बच्चे नहीं होते, लाखों बच्चे होते हैं जो 1 से लेकर 10 नंबर में फेल होते हैं। ठीक है, फिर आपको लाइफ टाइम अफसोस रहेगा कि यार हम निकल गए होते और उस समय जो वैकेंसी थी उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाते। ठीक है, इसको गार्ड बांध के रख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये गलती आपसे ना हो किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये 1 से 10 नंबर ऐसे होते हैं जो आपको फेल कराते हैं। और आपको बता दें, पेपर में तुक्का लगाने वाले बहुत से बच्चे होते हैं, तुक्का लगाने के भी तरीके होते हैं। देखिएगा, इस तुक्का हवेबाजी में मत लगाया करिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, तुक्का भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि किस हिसाब से हमें तुक्का लगाना है। ठीक है, 4 विकल्प आपको ABCD मिलते हैं। आपको बता दें, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा तैयार नहीं किया जाएगा कभी कि जिसमें ए विकल्प ही 50% सही हो जाए। 50 का मतलब क्या हो गया, 75 क्वेश्चन हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा दोस्त देखिए नॉर्मल बनाया जाता है कि सभी विकल्प लगभग लगभग बराबर सही हो, जैसे 150 है, इसको 4 से भाग करिए कितनी बार जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, ये लगभग लगभग दोस्तों आपको कुछ ए विकल्प हो सकता है 37 सही हो, बी 37 सही हो, सी 38 सही हो, डी 38, मतलब इसी का कुछ रेशियो आपको मिल सकता है, कोई या तो 40 सही हो सकता है, कोई 45। ठीक है, अब 50 भी सही होना किसी भी विकल्प के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कि जो बच्चे तुक्का लगाएंगे उनको फायदा दिया जाएगा। तो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है कि तुक्का भी ज़्यादा से ज़्यादा न लग सके। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि ए वाला विकल्प आपको जो आता है तो वो आपने लगभग पहले से ही 32 से 35 टिक मार दिया है, तो उस पर ज़्यादा फिर आप फोकस नहीं करेंगे कि चलो ए विकल्प पर ही तुक्का लगाया जाए। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, तो ये गलती आपसे ना हो, तुक्का लगाने में भी सावधानी बरतनी है, और तुक्का लगाना भी जरूरी हो जाता है कि जब नेगेटिव मार्किंग दिखे, जिस भी पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग ना मिले वहाँ पर आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना चाहिए। ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर से काफ़ी बार बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी CBSE से अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। मोबाइल में सीटेट का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड भी भूल गए तो उस लिंक में फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर का भी ऑप्शन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। Have a nice day.